ताई, एक शुरुआत हो चुकी है, बीएमसी से पहला कदम उठाया गया है, 10 रुपया थाली लोगों के पेट भरने के लिए। किस तरह की योजना आपने यहाँ पे लागू की है? बीएमसी की थाली वैसे भी पहले से ही है, लेकिन अभी जब हमने महाराष्ट्र को जनता के लिए मैनिफेस्टो दिया है उसमें सब्जेक्ट इंक्लूडिंग है, तो कल हमने वो स्टार्ट किया। अभी प्रेजेंटेशन हर डेली क्या खाना दिया जाएगा वो एक थाली में रखेंगे और देख के लोग लेंगे। और अभी का ये टाइम में ओनली अधिकारी लोग और कर्मचारी वर्ग के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए बाद में पैसा। इसका कितने लोगों को फायदा हो पाएगा? एक तो 10 रुपये की थाली है तो जो बेच रहा है उसको तो फायदा है ही नहीं, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं टिफिन नहीं लेके आते उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो बोझ आएगा आर्थिक, क्योंकि जो कैंटीन चला रहा है उससे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बीएमसी को उसके लिए पे करना होगा, तो उसके लिए किस तरह से उपाय योजना की गई है, उनके जो हर्जा किस तरह से भरा जाएगा? नहीं नहीं, जो कैंटीन चला रहा है उसको बहुत महानगर पालिका से फैसिलिटी मिलती है, तो उसमें वो बराबर करेगा, उसको उसमें ही कर रहा है, उसको अलग फैसिलिटी नहीं देंगे। मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए भी कहा गया था, बीएमसी कर्मचारियों के लिए तो शुरुआत हो चुकी है, उनके लिए कब होगा? जल्दी होगा, अभी तो काम चालू हुआ है। जो इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो ये भी ले लेंगे, लेकिन उसके लिए एक जैसा झुमका वाकर थी अभी उसके लिए भी गवर्नमेंट सोचेगी, और ये तो गवर्नमेंट के सोच से ही आएंगे, वो अनुदान देना है नहीं देना है किधर देना है कैसा देना है सब बना के आएंगे। और बहुत से संस्था ने भी चालू किए, जो मुलुड में स्वामी श्री स्वामी संस्था है उन्होंने भी चालू किए, करजक में चालू किए, हमारे पनवेल में चालू किए, तो जो जो संस्था है वो मैनिफेस्टो का ये लेके चालू कर रहे, जो शिवसेना प्रेमी है वो कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इसे किस तरह से पूरे मुंबई में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कि ये जो तैयारियां हुई है इसी हेड ऑफिस के लिए हुई है, अलग बीएमसी कर्मचारियों के लिए भी किया जाएगा, और दूसरों आम जनता को जोड़ने के लिए किस तरह बीएमसी अगला प्रयास करने वाली है? जीधर जीधर हो सके, अभी वार्ड में भी अपने कैंटीन रहते वो भी सब नियम का पालन करके वो भी करना पड़ेगा, करना है, तो सबके साथ बात करके हम करेंगे।